हैं किसान आंदोलन का आज 59वां दिन है। 59वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की बैठक होगी। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही सरकार के प्रस्ताव पर भी यहां पर किसान नेता मंथन करेंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में किसान हैं। वहां पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो लगातार किसान आंदोलन जो है वो 59वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन समाधान अब तक कोई नहीं निकला है। हालांकि 11वें दौर के बातचीत में जरूर सरकार के ओर से जो कानून है उसको 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया था। कल 12वें दौर की बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला और उस पर जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है आज मंथन के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी, जिसमें किसान अब अपनी अगली रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। एक बार फिर लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, जिस तरह से सरकार ने प्रस्ताव दिया था कल, जो किसान हैं उन्होंने ठुकरा दिया था, अब आज मंथन होना है, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद है? इस आंदोलन पर हर तरह के विभाग जो सरकार के हैं, खुफिया विभाग की हर पैनी नजर है, हर व्यक्ति पर पैनी नजर है, क्योंकि खुफिया विभाग जो इस आंदोलन को सबसे बड़ी बात है कि जो खुफिया विभाग की पैनी नजर हर व्यक्ति पर है और लगातार जो सरकार के कर्मचारी लगाए गए हैं। और ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होना है उसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है सरकार के सामने भी चुनौती है और प्रशासन के सामने भी चुनौती है। अब ये वक्त होगा कि अब इसमें खुफिया विभाग कितना काम अपना धर्म से निभाता है लगातार, क्योंकि हर व्यक्ति पर पैनी नजर है। क्योंकि जो अब 15 अगस्त को कुछ किसानों ने कहा है कि हम हरियाणा में भी तिरंगा नहीं लहराने देंगे, ये बात सामने आ रही है। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो आंदोलन को जो लीड देने वाला जो संगठन है, जो जथाबंदी है, वो 40 लोगों का एक ग्रुप है जो कि सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से इस आंदोलन को लीड दी जा रही है। और लगातार बात करें तो दिल्ली की जो दहलीज पर किसान जो बैठे हैं, धरती पुत्र जो अन्नदाता है, उन्होंने आह्वान किया है कि शांति प्रिय जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उसको लेकर जल्दबाजी होगी क्या हम कोई खुलासा करें, क्योंकि जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन है लेकिन इसको भीड़ का रूप भी कहेंगे। भीड़ का रूप इसलिए कहेंगे कि जो आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस आंदोलन के जो आसपास का एरिया है, जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और जो कॉलोनियां है वो काफी बड़ी हैं, तो भीड़ वो भी बढ़ेगी। और हमारी अपील है उन लोगों से कि आप शांति संयम बनाकर रखें। उन लोगों पर जरूर प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए जिन लोगों ने 200 कमरे बनाकर किराए पे दिए हैं, जिन लोगों की सुरक्षा की बात सामने आती है, क्योंकि 200 कमरे अगर कोई व्यक्ति बना रहा है तो उस उन लोगों की सुरक्षा की बात उस व्यक्ति पर आती है। प्रशासन अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं कर पा रहा है जो कि लोगों को संयम बनाकर रखे, उनका ध्यान रखे या उनसे कोई अपील की जाए। सोनीपत के प्रशासन के पास अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, कोई ऐसी मीटिंग देखने को नहीं मिली है तो कि लोगों को समझाया जाए, क्योंकि भीड़ जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और खुफिया विभाग की पैनी नजर है, कहीं ना कहीं कोई आंदोलन अपना रूप उग्र ना कर ले। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील है कि आप संयम बनाकर रखें, शांति बनाकर रखें, क्योंकि जो गणतंत्रता दिवस है वो सभी के लिए है और जरूर जो है पढ़ने पर जो है प्रशासन के साथ भी अब जो मीटिंग चल रही है, दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग लगातार चल रही है, बातचीत जारी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये भीड़ और आंदोलन जो किसान है वो क्या रूप लेते हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। तो लाजपत लगातार आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों और पुलिस के बीच बातचीत जारी है। ट्रैक्टर परेड को लेकर यह बातचीत हो रही है, पिछले कई दिनों से चल रही है मुलाकात, अब तक पुलिस और किसानों में नहीं बनी है बात। 26 जनवरी को प्रस्तावित है ट्रैक्टर परेड और उसी को लेकर आज एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच टिकरी बॉर्डर पर बातचीत हो रही है। एक तरफ
जो पुलिस है वो ये कह रही है कि दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर परेड करें किसान, लेकिन किसान ये चाह रहे हैं कि वो आउटर रिंग रोड पर उन्हें ट्रैक्टर परेड करने की परमिशन दी जाए, और इसी को लेकर ये बैठक हो रही है। कई दौर की बातचीत पुलिस और किसानों के बीच हुई है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। किसानों और पुलिस के बीच टिकरी बॉर्डर पर बातचीत जारी है, ट्रैक्टर परेड को लेकर ये बातचीत हो रही है। पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई बात नहीं बनी है, कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। किसान चाहते हैं कि उन्हें ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी जाए। प्रशासन को लगता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं, और यही वजह है कि किसानों और पुलिस के बीच का रास्ता निकालने को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। उधर लगातार जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं ताकि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड निकाल सके, और प्रशासन एक तरह से ये कोशिश कर रहा है कि उस दिन दिल्ली के अलावा वो दूसरे जगहों पर वो जगह निर्धारित कर देते हैं जहां किसान अपना परेड कर लें, लेकिन किसान ये मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि गतिरोध बना हुआ है, और लगातार जो पुलिस है वो समझाने का काम कर रही है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, किसानों और पुलिस के बीच लगातार बातचीत जारी है। गणतंत्र दिवस पर किसान जो है वो परेड करने के अपने इरादे पर कायम है, वहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाहती है कि दिल्ली के बाहर जो किसान है वो परेड करें, लेकिन किसान हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि आउटर रिंग रोड पर उन्हें परेड करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उस दिन छुट्टी का भी दिन होगा, साथ ही ये जो आउटर रिंग रोड है वो ग्रीन लाइट नहीं है और ग्रीन लाइट फ्री है, तो यहाँ पर वो आराम से अपना ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लाजपत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या बात हुई और क्या कोई बात बनी या नहीं बनी अभी तक किसानों और पुलिस के बीच? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार जो है सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है और हरियाणा न्यूज जो लगातार लोगों के बीच पल पल की खबरें जो दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई लोग अगर इसमें भीड़ में कोई ऐसी घटना ना हो जाए इसलिए अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से फिर से अपील है कि लोग शांति रखें और अपील की संयम बनाकर रखें। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के अंदर किसी भी कीमत पर घुसने नहीं दिया जाएगा, और किसानों ने साफ किया है कि हम रिंग रोड जो दिल्ली का है उसकी मांग कर रहे हैं, अंदर जो दिल्ली के अंदर कूच की बात सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है, प्रशासन और सरकार और किसान आंदोलन जो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस भीड़ की और इस आंदोलन की वजह से आम व्यक्ति पिसता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगर देखिए बात करें तो लगातार जो है कुंडली क्षेत्र की, तो कुंडली क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्र है या मध्यम परिवार है वो इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों के अंदर एक दहशत बन चुकी है, जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था केएमपी पर उस भीड़ को देखकर जो अलग अलग स्टेट से जो लोग आए थे उन्होंने प्लान दिया है, लोग यहाँ हो गए हैं। तो जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों की धड़कन रुकी हुई है, क्योंकि लगातार जो बैठकें जारी हैं प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ। जी ठीक है, लाजपत लगातार आप नजर बना के रखिए। तो किसानों और पुलिस के बीच बातचीत जारी है और ये समाधान निकालने की कोशिश हो रही है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई बीच का रास्ता निकले।